सब्सक्राइब कीजिए कुणाल टेक चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे कुणाल टेक चैनल में स्वागत है। और आप आज का टॉपिक समझ गए होंगे कि हम व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को कैसे भेजें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पे भेजने की हमें ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन जो कि बड़ी है वो हमारे पास ना हो, या फिर हमारा डेटा कम हो गया हो, हमारी पॉकेट मनी अभी ना आई हो, कुछ दिन बाद आई है और वो हमारे फ्रेंड के पास व्हाट्सएप फ्रेंड के पास है, तो हम उससे मंगा सकते हैं या फिर आप अगर वो व्हाट्सएप फ्रेंड है तो आप किसी को भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई भी ऐप है उसे बैकअप करना पड़ेगा। शाओमी में प्रीलोडेड ऐप आता है बैकअप का, वैसे सारे फोन में प्रीलोडेड आता है। अगर आप में नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कीजिए बैकअप एंड रिस्टोर, जो सबसे फर्स्ट आएगा आप कोई भी कर सकते हैं, सब सही है। ये देखिए जस्ट की है, इसको आप ले लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और आप इसको सिंपली बैकअप कर लीजिए। और उसके बाद फिर आप अपने इस एक्सप्लोरर में जाइए और इसमें स्टोरेज में जाइए और यहाँ पे अगर आपको पता है आपका बैकअप कहाँ है तो आप कर लीजिए, वरना नहीं पता तो आप इधर सर्च कर लीजिए ब्राउज़र। ये मेरा ब्राउज़र APK है, पर मैंने इसको TXT लिख रखा है, तो मैं इसको अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं ट्राई कर रहा था अपने से आपको दिखाने से पहले, इसलिए मैं आप देख लेता हूँ। चलिए हम फिर से ब्राउज़र को लिखते हैं BROWSER। तो देख सकते हैं आप, ये वही ब्राउजर है और हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंस्टॉल का लिंक भी आ जाएगा। तो हम इस ब्राउजर को थोड़ा सा क्लिक करते हैं, मोड में जाते हैं, रीनेम का ऑप्शन है, इसमें जाके हम लोग आपको खाली TXT लिखना है। आप अगर कुछ और लिखेंगे तो आपका वो व्हाट्सएप से सेंड नहीं हो पाएगा, इसलिए आप खाली TXT लिखिए और ओके कर दीजिए। और उसके बाद TXT लिख के आपने ओपन कर दिया, ओके कर दिया, उसके बाद फिर आप फिर से इस ब्राउजर को देखिए, नहीं तो आप ढूंढ लीजिए। और अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये मेरा ब्राउजर आ गया है, तो अब हम इस पर सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेंड पे क्लिक करके अब हम इस पर व्हाट्सएप क्लिक कर देंगे। व्हाट्सएप में हमें जिनको भेजना है उनको क्लिक करके हम इसको फॉरवर्ड कर देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा जा रहा है और ये 32 MB का है। तो ये अपने जिस दोस्त को आप ये ऐप भेज रहे हैं उसको आप बता दीजिएगा कि उसको अपने ये जो ऐप है मिलेगा, उसके बाद सीधा उसको उसको रीनेम करना है और APK लिखना है, सिर्फ APK लिखना है, MP4 या फिर कोई और एक्सटेंशन नहीं लिखना। अगर वो APK लिखेगा तो उसका ये ऐप चल जाएगा। और हम अगर देख लेते हैं, देखिए ये हमारा जाने ही वाला है, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें किसी को भी ऐसे मैसेज नहीं भेजना है। तो बस यही थी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो गिव थम्स अप और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, और आप अपने आइडियाज़ दे दीजिए हमें कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं। आपको अगर किसी भी चीज़ में गलती हो रही है, जिसकी आप कोई चीज़ चलानी नहीं आती, आपको किसी का वीडियो चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी कुछ पहले की वीडियोज है उनको भी देख लीजिएगा। और धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।